गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दोस्तों, आज का वीडियो कुछ स्पेशल होने वाला है, कुछ डिफरेंस। तो मैं आज आपके लिए लेके आया हूँ, हम आज फॉग लाइट है, जो बाइक का जो फॉग लाइट होता है, हम जो एक्स्ट्रा लाइट के लिए हम जो फॉग लाइट यूज़ करते हैं, तो उस फॉग लाइट में आज हम मॉडिफिकेशन करने वाले हैं। तो उस फॉग लाइट में आज हम DRL फिट करेंगे, तो यही आज का वीडियो है। ओके, तो दोस्तों DRL यानी डे टाइम रनिंग लाइट, ओके, जो दिन के वक्त हम उसे यूज़ करते हैं। तो नई बाइक या फिर नई कार जब परचेस करते हैं, तो अब हर गाड़ी में DRL आता है, ओके। तो हम भी अपनी बाइक हो या कार, तो उसमें हम फॉग लाइट यूज़ करते हैं, ओके। तो उसमें हम DRL लगाएंगे और अपनी बाइक को एक अच्छा अट्रैक्टिव लुक दे सकते हैं, ओके। तो मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊँगा, तो प्लीज़ आप वीडियो पूरा देखिए, और वीडियो अच्छा लगे तो उसे लाइक कीजिए, ओके। तो हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है पवन और आप देख रहे हो इंजीनियर पवन यूट्यूब चैनल। तो चलो फ्रेंड्स, शुरू करते हैं, चला मग शुरू करो या। तो ओके फ्रेंड्स, हमने इसे खोल लिया है, ओके। तो अभी हम देखो, ये इसका लेंस और ये इसके SMD LED, ओके। तो हम इसमें DRL अभी फिट करेंगे, और DRL के लिए हम ये LED यूज़ करने वाले हैं। देखो, ये वाली LED हम यूज़ करेंगे, ओके। देखो, आप कोई भी इसे LED यूज़ कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। तो फ्रेंड्स, हमें LED लगाने से पहले आपको डिसाइड कर लेना है कि देखो, ये जो है ये लेंस यानी ये फॉग लाइट हम राइट साइड के लिए यूज़ करेंगे, और ये हम लेफ्ट साइड के लिए यूज़ करेंगे। क्योंकि देखो, यहाँ पे जो आपको स्पॉट दिख रहे हैं, देखो आप यहाँ पे देखो, ये जो हमने जो यहाँ पे निशान लगाया है, ओके, ये स्पॉट, तो यहाँ पे हम LED फिट करेंगे पीछे से, ओके। तो हमें ऐसे आएंगे, ओके। तो देखो, ये इस साइड से यानी लेफ्ट साइड से, और ये हमारा राइट साइड से, ओके। तो देखो, आप ऐसे आएंगे, ओके। तो हमें यहाँ पे निशान लगाना है, और ये आपका राइट साइड में बैठेगा, और ये आपका लेफ्ट साइड में बैठेगा, तब जाके ये DRL आपका अच्छा दिखेगा, अट्रैक्टिव, ओके फ्रेंड्स। तो चलो, अभी हम इसे LED लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, हम पहले इसे ग्लू गन यहाँ पे लगा लेंगे। देखो, आपको ध्यान से लगाना है, ओके। उसके बाद में हमें LED यहाँ पे थोड़ी देर के लिए यहाँ पे पकड़ के रखना है, ओके। देखो, ये फिक्स हो चुका है, लेकिन फिर भी हमें थोड़ा सा यहाँ पे और थोड़ा सा लगा देना है, ओके, यहाँ से। हमें इसे अच्छे से फिक्स करना है, ओके। तो फ्रेंड्स, देखो, ये फिक्स हो चुका है, ओके। देख सकते हो आप इस साइड से, ओके। तो अभी हम इस तरह से सारे LED यहाँ पे लगा लेंगे, ओके। फ्रेंड्स, ये कंप्लीट हो चुका है। देखो, हमने यहाँ पे ये 3 LED हमने यहाँ पे लगा दी है, ओके। देखो, ये सामने से कुछ इस तरह से दिखेंगी, ओके। फ्रेंड्स, ये आपकी बाइक को काफ़ी अट्रैक्टिव लुक देगा, ओके। ये DRL काफ़ी अच्छे लगने वाले है। तो चलो, अभी हम इसे कनेक्शन करते हैं। देखो फ्रेंड्स, हमने यहाँ पे सारे LED सीरीज में लगाने हैं, ओके। तो हमें देखो, ये LED है उसका, तो ये LED का जो माइनस देगी ये साइड में, ओके, ये साइड में इसका माइनस देगी, ये साइड में इसका प्लस, ओके। तो ये साइड में इसका माइनस लेग, ये साइड में इसका प्लस, यानी देखो, ये LED का प्लस से हम ये LED का माइनस हम कहीं करेंगे, ओके। तो ये सारे सीरीज में हो जाएंगे, और आखिर में मैं आपको इसका सर्किट डायग्राम भी दिखाऊंगा, ओके। तो आप उसका स्क्रीनशॉट ले लेना, ओके। तो चलो, अभी हम इसका कनेक्शन करते हैं, ओके। तो फ्रेंड्स, आप इस तरह से जंपर वायर यूज़ कर सकते हो यहाँ पे, ओके। इसकी तार हम निकाल लेंगे, और वो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे। तो देखो, इस तरह से आप इसकी तार निकाल लेंगे, और ये आप यूज़ कर सकते हो, ओके फ्रेंड्स। तो अभी हम शॉर्टनिंग करेंगे। देखो, अब देखो फ्रेंड्स, ये LED का माइनस लेग है, ओके। तो आप अच्छे से देख लीजिएगा कि माइनस और प्लस कौन सा लेग है, ओके। ओके, अभी हम यहाँ से यहाँ पे कनेक्ट करेंगे। तो फ्रेंड्स, देखो, हमने कनेक्शन पूरा कर लिया है, ओके। तो अभी हम इसी तरह
इस पैनल के भी हम कनेक्शन पूरे कर लेते हैं। ओके फ्रेंड्स, हम 56 ओम का रजिस्टर इसे सीरीज में लगाने वाले हैं। ओके तो अभी हम लगाएंगे। देखो तो हमें ये जो है ये रजिस्टर हमें प्लस पॉइंट में लगाना है। आप देख लीजिएगा ये हमारा माइनस है, ये हमारा प्लस है। ओके तो हमें ये प्लस पॉइंट में लगाना है। ओके और इसे अच्छे से एडजस्ट कर देना है। तो ओके फ्रेंड्स, हमने रजिस्टर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ओके तो फ्रेंड्स, अभी इसी तरह से हम यहाँ पे भी एक रजिस्टर हम इसे कनेक्ट कर लेंगे। ओके प्लस पॉइंट को हमें रजिस्टर कनेक्ट करना है। ओके फ्रेंड्स, तो ओके फ्रेंड्स, हमने रजिस्टर हमने यहाँ पे कनेक्ट कर लिया है। ओके अभी हम इसे चेक करके देखते हैं। ये हमारा पावर सप्लाई हमने अभी ऑन कर दिया 12 वोल्ट। ओके तो अभी हम चेक कर लेंगे। देखो पहले ही चेक कर लेंगे। ओके ये चमक रहे हैं, ये भी लाइट है। ओके फ्रेंड्स, तो टेस्टिंग हो गया। तो फ्रेंड्स, अभी हम रजिस्टर चिपका लेंगे यहाँ पे ताकि अच्छे से यहाँ पे फिट हो जाए। ओके तो फ्रेंड्स देखो, अभी हम ये वायर यूज़ करेंगे और इसका हम कनेक्शन कर लेंगे। ओके तो पहले हम ये प्लेट को हम पहले सॉल्डरिंग कर लेंगे। ओके ये हमने नेगेटिव कनेक्ट कर लिया है। ओके उसके बाद में अभी हम पॉजिटिव कनेक्ट कर लेंगे। ओके फ्रेंड्स, इसका जो ग्राउंड है नेगेटिव वो इसका कॉमन रहेगा। ओके तो हमें ये जो वायर है रेड वाली, तो ये हम DRL के लिए यूज़ करेंगे। ओके तो अभी हम यहाँ पे इसे कनेक्ट कर लेते हैं। ओके ओके हमने कनेक्शन कर लिया है। ओके अभी हमें DRL को नेगेटिव देना है। ओके तो हम नेगेटिव क्या करेंगे, हम यहाँ से नेगेटिव लेके हम DRL को यहाँ पे दे देंगे। ओके यानी ये सर्किट कम्प्लीट हो जाएगा, तो हमारा DRL ऑन हो जाएगा। ओके तो हम एक दूसरा वायर लेंगे। ओके ओके अभी हमने ये वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लिया था। ओके अभी हम ये वायर यहाँ पे कनेक्ट कर लेंगे जो हमारा इनपुट था। ओके नहीं, इनपुट हमारा ग्राउंड यहाँ पे कॉमन है। ओके तो ओके हो गया हमारा कनेक्शन। तो देखो कनेक्शन हो चुका है। ओके ये हमारा प्लस पॉइंट है DRL के लिए रेड वाला, और ये जो है ये फॉग लाइट के लिए प्लस पॉइंट है। ओके और नेगेटिव यहाँ पे कॉमन है ग्राउंड। ओके या बॉडी सब अर्थ कर सकते हो। ओके तो इस तरह से हमें दूसरी LED का हम कनेक्शन कर लेंगे। ओके फिर हम इसे फिटिंग करके हम टेस्टिंग करेंगे। ओके ओके फ्रेंड्स, हमने फॉग लाइट में DRL लगा लिए है। ओके तो अभी हम इसे इंस्टॉल करेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात बता दूँ, हमने इसमें हीट सिंक यूज़ नहीं किया है। ओके हमने जो साइड में DRL यहाँ पे फिट किए है इसमें हमने हीट सिंक नहीं लगाया है। ओके तो उसके लिए हीट सिंक लगाने की कोई ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने जो उसे सीरीज में जो रजिस्टर लगाया था वो LED को, ओके 56 ओम का जो रजिस्टर हमने यूज़ किया था, तो वो रजिस्टर उसके लिए परफेक्ट वैल्यू है। ओके तो हीट होने का कोई चांस नहीं है। ओके तो आप ना भी लगाए तो कोई दिक्कत नहीं, आप हीट सिंक ना लगाए। ओके तो फ्रेंड्स चलिए फटाफट अभी चलते हैं बाइक के पास और फटाफट इसे इंस्टॉल करते हैं और हम आपको लुक दिखाते हैं कि कैसा दिखता है। ओके तो ओके गाइस, अपने पास स्प्लेंडर है। ओके तो अभी हम स्प्लेंडर में ये फॉग लाइट इंस्टॉल करेंगे। ओके तो फ्रेंड्स आप देखो अभी यहाँ पे ये जो हमने DRL जो इसमें फिट किए। ओके तो आप देखो तो वो देखो फ्रेंड्स ये जो है ओके ये राइट साइड में आएगा। ओके ये राइट साइड में क्योंकि यहाँ पे इसमें DRL ये साइड में। ओके और ये वाला लेफ्ट साइड में आएगा क्योंकि DRL ये साइड में। ओके तो चलो फटाफट से इसे इंस्टॉल करते हैं, जिसे हमने निकाले थे वैसे हम इसे वापस इंस्टॉल कर देंगे। ओके और फिर मैं आपको लुक दिखाता हूँ। ओके
फ्रेंड्स, हमने फॉग लाइट फिटिंग कर लिया है। ओके, देखो ये जो है ये हमारा राइट साइड का है। ओके, देखो ये जो दिख रहा है आपको, ओके कैमरा जूम नहीं कर पा रहा है, लेकिन देखो ये जो दिख रहा है ये वाला और ये वाला, ये जो हमारे DRL है। ओके, तो ये हमारा राइट साइड का हो गया। ओके, और ये जो दिख रहे हो आप ये वाला, ये साइड में देखो ये हमारा हो गया लेफ्ट साइड का, देखो। ओके फ्रेंड्स, यहाँ पे एक और यहाँ पे एक। ओके फ्रेंड्स, तो चलो अभी हम फटाफट से इसे ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स देखो मैंने क्या किया है, ये जो है फ्रेंड्स, ये जो है LED है। ओके, तो ये LED DC पे चलते हैं। ओके, तो देखो ये हमारा लाइट का स्विच है। ओके, तो यहाँ पे हम जब पहले पहला स्विच हमारा पार्किंग का होता है। ओके, उसके बाद में हेडलाइट चलता है। तो मैंने क्या किया है फ्रेंड्स, देखो ये अभी ऑफ है। ओके, तो ये हम जब पार्किंग ऑन करते तब मेरा DRL चलता था। ओके, तो मैंने ये सारा कनेक्शन DC पे कर लिया है। ओके फ्रेंड्स, तो उसके लिए मैंने एक सेंसर बनाया है जो कि मैंने अपनी बाइक में यूज़ किया है। ओके, तो उस सेंसर के बारे में आप मुझे कमेंट कीजिए, तो मैं आपको उस सेंसर के बारे में एक अलग से वीडियो हम बनाएंगे। ओके, तो चलो फटाफट से इसका भी लुक देखते हैं। ओके, तो अपनी बाइक ऑन करते हैं। तो फ्रेंड्स, जब तक मेरी बाइक ऑन नहीं होती तब तक DRL ऑन नहीं होता। ओके, तो मैंने ऐसा सिस्टम उसमें करके रखा है। तो चलो फटाफट से इसे ऑन करते हैं। ओके फ्रेंड्स, तो देख सकते हो फ्रेंड्स चालू करते हैं। ओके, ये अभी डे टाइम यानी DRL ओके चालू हो गए। ओके, तो देखो अभी इतना दिन है फिर भी ये कैसे अट्रैक्टिव दिख रहे हैं। ओके देखो, I'm not afraid to die.